अपने मोदी जी की ताकत को इस गठबंधन से रिकॉग्नाइज किया है, और यह इस बात को भी सूचक है कि आपकी अपनी आइडियोलॉजी, अपनी सोच, अपना कार्य का एजेंडा नहीं है। एजेंडा है सिर्फ मोदी जी को हटाने का। तो यह एजेंडा कोई देश को और प्रदेश को कोई हित देने वाला नहीं, और इस एजेंडे को हम एक्सपोज करें यह हमारी जिम्मेवारी है। भारतीय जनता पार्टी को देश की जनता और उत्तर प्रदेश की जनता भरपूर आशीर्वाद देगी। ऑल टाइम रिकॉर्ड विक्ट्री होगी और हम 73 नहीं, हम 74 होंगे, बढ़ेंगे। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के प्रति लोगों का आग्रह और जो काम 4.5 सालों में हुए हैं उसके प्रति लोगों का रुझान, मोदी जी के प्रति उनको आशीर्वाद देने के लिए, उनको सपोर्ट करने के लिए, उस डायरेक्शन में जनता ने अपना विचार बनाया है। और भारतीय जनता पार्टी अमित शाह जी के नेतृत्व में जिस रणनीति को लेकर के हम चलेंगे उसमें यह सफलता इसी प्रकार से मिलेगी। 73 से 74 बात को देश की जनता, करोड़ों लोग इस बात को मानते हैं, स्वीकार करते हैं। चाहे गांव का विकास हो, किसानों का कल्याण हो, युवाओं का विकास की उनका रोजगार का प्रश्न हो, उनको संस्कार देने वाली शिक्षा की बात हो, और ये इस बात को पिछले, जहां उत्तर प्रदेश की अगर आप बात करते हैं विशेष रूप से, पिछले लगभग 15 वर्षों के अंदर हमारी योगी सरकार आने से पहले जो लोगों ने कुशासन देखा है, कुशासन में जिस प्रकार से लोग त्राही त्राही कर रहे थे, जिस प्रकार से लोगों के धर्म और जाति के नाम पर, मजहब के नाम पर जिस प्रकार से लोगों की प्रताड़ना होती थी, लोगों ने उससे एक निजात पाया है, उससे लोगों को एक मुक्ति मिली है। मुझको नहीं लगता, जिस प्रकार से कहते हैं कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा और भानमती ने कुनबा जोड़ा, इन लोगों की कोई विचारधारा सेम नहीं, विचारधारा में इनका इतना है। एक दूसरे को जेल में भेजने की जो है घोषणा करते थे, आज अपने अस्तित्व को बचाने के लिए वो लोग आज इकट्ठे हुए हैं। लेकिन जिस प्रकार से विकास की गति, विकास की गंगा जो पूरे देश के अंदर बाहर उत्तर प्रदेश के अंदर रही है, उसमें ये इस प्रकार के जो गठबंधन है, ये सियासी गठबंधन, ये टेम्परेरी अस्थायी गठबंधन है, ये जनता को गुमराह नहीं कर पाएंगे।